उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध पर लगाम लगाने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपराधी बेखौफ है। आखिर क्यों? बड़ा सवाल है। इसका अंदाजा आप ये खबर देखकर भी लगा सकते हैं। इस बार खबर वाराणसी से सामने आई है, जहां एक अपराधी सरेआम पिस्टल के बल पर रंगदारी मांगता हुआ कैमरे में कैद हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। काशी में सरेआम कट्टेबाजी, रंगदारी लेने पहुंचा 1 लाख का इनामी। पिस्टल सटाकर किट्टू ने मांगी व्यापारी से रंगदारी। कैसे निडर और बेखौफ हो रहे अपराधी, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। तस्वीर में 2 शख्स नजर आ रहे हैं और एक महिला दोनों लोगों को देखते हुए वहां से गुजर रही है। इन दोनों लोगों में से एक शख्स घर की तरफ दरवाजे पर खड़ा है और दूसरा शख्स बाहर खड़ा है। बाहर खड़े शख्स के दाहिने हाथ को गौर से देखिए, उसके हाथ में क्या है? जी हाँ, उसके हाथ में एक पिस्टल है और वो उस पिस्टल को बार बार दूसरे शख्स की कनपटी पर सटाकर उसे धमका रहा है। वो बार बार उस पर किसी बात को लेकर दबाव बना रहा है। कट्टे के बल पर वो शख्स कभी दूसरे शख्स को धक्का मार रहा है तो कभी उसको खींच रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारी वारदात सबके सामने हो रही है। आसपास से लोग गुजर रहे हैं, बावजूद इसके पिस्टल के साथ आया ये शख्स खौफ में नहीं, इसको किसी का कोई डर नहीं। दरअसल ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के वाराणसी की है। वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र में पिस्टल लेकर पहुंचा ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक दुर्दांत अपराधी है, जिसका नाम है रोशन गुप्ता उर्फ किट्टू। किट्टू के ऊपर खुद वाराणसी के SSP ने 1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। कहने को तो पुलिस को सरगर्मी से 1 लाख के इस इनामी बदमाश किट्टू की तलाश है, लेकिन ये देखिए ये बदमाश किट्टू किस तरह से एक शख्स को धमका रहा है। जिस शख्स को धमकाया जा रहा है वो शख्स एक व्यापारी है और ये बदमाश व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है। ये पूरी वारदात वहां लगे एक CCTV कैमरा में भी कैद हो गई और अब धीरे धीरे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रंगदारी का ये मामला सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई और क्राइम ब्रांच सहित पुलिस टीम गठित कर शातिर अपराधी को पकड़ने का प्रयास तेज कर दिया गया। जनतंत्र TV के लिए वाराणसी से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।